लगा दे, मैं यहाँ लाइट दिखा रहा हूँ, वहां से पता चल जाएगा तुझे। दोनों मेरे प्यारे प्यारे। और गाइस हमने इनका नाम भी रखा था, वैसे तो मैं कल को बताता था आपको, नूरफ्ता राजा और रानी, नूरफ्ता ने बता दिया। देखो राजा और रानी इसका नाम रखा था हमने, और नूरफ्ता थोड़ा आगे को आ जा, बिगड़ी होगी तू तो। हाँ अनस यहाँ कोई लगा दे। तो ये गाइस मैं ये भी कहने वाला था कि यार कल को मैं नाम रखूंगा इसका, लेकिन तुरंत ही आज ही नाम लाते ही रख दिया इसका आधे घंटे पहले। राजा और रानी इसका नाम है, और मैं बता देता हूँ राजा कौन है रानी कौन है। रानी देखो व्हाइट वाली है, राजा ब्लैक वाला है, रानी वो है और वो ब्लैक वाला राजा है। और हाँ एक बात और बता रहे थे वो कि ये ब्याहने वाली है रानी, बस कुछ दिन बाद इनके बच्चे भी हो जाएंगे, वो आपको दिखाऊंगा, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चे करती है। और हाँ तुरंत ही कल को घर भी तो बनाना है इनका, और बहुत अच्छा रूम टाइप का इनका घर बनाऊंगा, जो कि मैं भी बैठ सकूं। क्यों नूरफ्ता तुम भी बैठोगी आराम से वहां पर? तो नूरफ्ता भी कह रही है हाँ। अनस भाई हाँ बढ़िया, थोड़ा इधर कुछ न बीच में करते ना, अरे यार वो क्या कहते हैं साइडों में जहाँ को तूने लगाया साइडों में वो पानी भी तो आ सकता है ना? ना पानी ना आ गया यहाँ से, पैग बीच में कर देता तो बीच में से हाँ बीच में से पानी नहीं आता ना, उधर साइड में दीवालों में भी आया था लेकिन इधर को बीच में से पानी नहीं आता। सही है जगह, ईंट आ रहा है वहाँ पे, तो वैसे ये गीली होगी तो गीली हो जाएगी भाई, फिर भी यहाँ से घुस कर कर दे, या तो मैं कर दूँ थोड़ा अंदर कर दे, यहाँ से आ जा। बीच की बात अलग होती है ना, साइडों में पानी ज्यादा होता, साइडों में दीवार से लग लग के नीचे को आ जाता ना पानी, बीच में करके फायदा है ना यार, अगर ये भीग गई रोई तो यार बहुत दिक्कत हो जानी है फिर। अंदर घुसने के लिए भी तो पैसा भी होगी बहुत। ना ना गुज्जा ऐसी यार, चल नीचे से साफ कर लिए गुज्जा अंदर को, दरवाजे में थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे तो अंदर बहुत अच्छा बैठने का सिस्टम है, काफी ऊपर है ये छत। अनस भाई थोड़ा पीछे को देख लो अपने सिस्टम थोड़ा और सीन शॉट सही हो रहा है। ये बारिश पड़ रही है, बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो रफ्सा को मैं दिखाता हूँ कबूतर कहाँ बन रहे हैं हमारे, ये भी बेचारे आराम से बैठे हैं, कुछ कबूतर इधर वाले में कुछ इधर हैं, सोते नहीं है, 24 घंटे जगते रहते हैं। और बारिश बहुत तेजी की पड़ रही है, और देखिए ये हमारा रामनगर, अनस को देख लेते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। पानी तो नहीं आ रहा था, जो तुझे अच्छा लग रहा है वहाँ पे कर दे। और खाना वो गेहूँ हटा के वो कहाँ से ले आता ना नीचे से, वहाँ से खत्म हो गए ना, ये थी ये बहुत है। अच्छा चल फिर आजा, लेना अंदर से दिखा दे। देखिए ये हैं दोनों, ये राजा है ये रानी है, रानी थोड़ी एक्टिव है, राजा थोड़ा ऐसी रहता है शांत शांत सा, ये बहुत मारती है मतलब भागती है, खाना खा रहा है। हम चलते हैं। तो जिस बात का मुझे डर लग रहा था वो तो हमने कर दिया है, इनके लिए थोड़ी सेफ्टी कर दी है। अनस भाई आ रहे हैं, अनस भाई को निकाल देते हैं, अब सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह को तुरंत ही हम इनका अच्छा सा घर बनाएंगे और इनको प्यारे प्यारे खरगोशों को आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइस जो हमने इनके लिए लगाया था तो वो ये है, अभी आराम से बैठ कर आराम से खाएंगे, और बाकी मिलता हूँ मैं आपको कल को। तो गाइस हो गई है सुबह, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा हाईलाइट दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमने कबूतर खोली दिए हैं सुबह सुबह आकर, और यहाँ पे देखिए मैं जो बता रहा था कि अंडे 2400 घंटे रहती हैं साल के 12 महीने, तो ये मारेगी मुझे। और मैं अंडे दिखा देता हूँ, अंडे बिल्कुल गर्मा गर्म हो रहे हैं, ये अंडे हैं, और मैं यहाँ भी रख देता हूँ क्योंकि फिर ये मारेगी बहुत। तो कुछ इस तरीके से मैंने अंडे यहाँ पे रख दिए हैं, कुछ अंडे नीचे भी हैं, वहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं है, तो ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए इतने से इनके अंडे होते हैं, इसमें से अब बच्चा निकलने वाला है शायद कुछ दिनों बाद, गर्मा गर्म होते हैं बिल्कुल अंडे। अब मैं दिखाता हूँ आपको खरगोश कहाँ पर है, खरगोश आके दिखा देता हूँ। तो खरगोश है यहाँ पर, हमने देख ही लिए क्योंकि यार ये थोड़ा साइड में रहते हैं थोड़ा छुपे से, और हमने फिर छुपा हुए रहे तो यहाँ पर ये खाना हमने रख दिया, मैंने छत पे छोड़ा था इनको लेकिन ये यहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पर ही हमने पानी और खाना रख दिया। और फिलहाल ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आएगी तो लाजमी शेयर कीजिए और हमारे चैनल ये है हमारी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।